नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अगर एक व्यक्ति के नाम किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री से मेरा मतलब उसके नाम प्रॉपर्टी का बैनामा या सेल डीड है, इसके बावजूद भी उसको संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अब आखिरकार ऐसे हो कैसे सकता है? क्योंकि आप लोग तो कहेंगे, सर संपत्ति में नाम भी आ गया तब भी आप कह रहे हैं मालिक नहीं होंगे, तो ऐसा कब होता है? देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना होता है कि हमने अपना पैसा लगाकर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, इनके नाम से जमीनें खरीद ली। अब ऐसी स्थिति में जब हमने किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदी तो यहां पर उल्टा हमें ही परेशान किया जा रहा है। सारा पैसा हमारा लगा, मेहनत की कमाई हमारी रही, और अब उस प्रॉपर्टी में मेरे भाई बहन या कोई तीसरा इंसान उठकर हिस्सा मांग रहा है। ऐसी स्थिति में क्या बचाव किया जा सकता है? हम अगर ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां पर सारा पैसा आपका लगा है, किसी और के नाम प्रॉपर्टी खरीदनी है प्यार प्रेम के चलते, तो वो प्रॉपर्टी कैसे वापस अपने नाम पर पाए, ये हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको कानूनी प्रावधान बताने वाला हूं जिन धारा के तहत आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स की कुछ बड़ी जजमेंट डिस्कस करेंगे। और एक काफी इंपॉर्टेंट कानून है, बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। इस कानून के बारे में भी मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो काफी डिटेल में ये वीडियो होने वाली है जो आपकी हर एक समस्या का समाधान कर देगी। तो आज की वीडियो बड़ी ध्यान से सुनना आपको पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को कुछ जरूरी जानकारी दूं। देखिएगा, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर खरीदना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान में रखनी अनिवार्य है कि जब कभी भी वो प्रॉपर्टी आप वापस पाना चाहेंगे, अपने नाम से वापस करवाना चाहेंगे, तो इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं बिल्कुल भी नामुमकिन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर आसान रास्ता नहीं होने वाला। अब देखिए, दो तरीके के रिलेशन माने जाते हैं। अगर हम बात करें बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट और इसके अंदर साल 2016 में किए गए संशोधन के बारे में, तो ये जो हमारा एक्ट है ये उन लोगों के बारे में बात करता है जो लोग अपनी कमाई छुपाने के लिए, अपना काला धन छुपाई करने के लिए या कोई गैर कानूनी कमाई को छिपाने के लिए किसी तीसरे इंसान के नाम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट उन लोगों पर लग जाता है। अब इसी एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है, डिस्प्ले पर ध्यान दें, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति को पता होना अनिवार्य है। देखिएगा, सेक्शन 4 कहता है हमारा कि प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, यानी कि अगर कानून ने किसी प्रॉपर्टी को बेनामी घोषित कर दिया तो आप उसको वापस से अपने नाम नहीं करा पाएंगे। सेक्शन 4 यही बोलता है कि कोई भी सूट, क्लेम या एक्शन आप नहीं ले सकते उस केस में जहां पर एक व्यक्ति ने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी हो, और अगर आपके खिलाफ भी यहां पर कोई बेनामी प्रॉपर्टी का केस है तो वहां पर आप डिफेंस नहीं ले सकते। तो सेक्शन 4 सीधी सी बात कर रहा है कि अगर आपने अपनी कमाई छुपाने के लिए किसी तीसरे नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी और कानूनी रूप से उसको किसी ने लीगल तरीके से बेनामी घोषित कर दिया, तो अब वो आपकी प्रॉपर्टी मर चुकी है। सेक्शन 4 आपको सीधा रोक देता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं पा सकते। अब लोग सोचेंगे, सर हम तो मर गए, हमारा तो लाखों करोड़ों रुपया जो हमने बड़े मन से अपने परिवार वालों की इज्जत करते हुए उनके नाम जमीन खरीदी, हमारा तो पैसा मर गया। जी नहीं दोस्तों, अगर आप इसी का सेक्शन 5 देखेंगे तो वो बताता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर प्रॉपर्टी को बेनामी नहीं बोला जा सकता और उन प्रॉपर्टीज को वापस पाने के लिए तब भी केस किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई कुपासना है, कुपासना तो आपको पता होगा जिसको हम कानूनी रूप से क्या बोलते हैं, जिसको हम वारिस कहा जाता है। अब देखिए, सिर्फ कुपासना नहीं, अगर एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, हस्बैंड वाइफ आ गए, ये कैपेसिटी होती है, क्लाइंट और अपने मैनेजर्स के बीच में आ गई, तो ये फिड्यूशरी कैपेसिटी होती है, यहां भी ये चीज नहीं मानी जाती। तो अगर आप लोग भी अपने किसी पारिवारिक सदस्य के नाम, माता पिता, भाई बहन,
बेटी बेटा इनके नाम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो बेनामी नहीं कहलाई जाएगी। अब दोस्तों अगर वो बेनामी की कैटेगरी में नहीं आई तो आपको एक एडवांटेज मिल गया कि आप अब कोर्ट में जाकर दावा डाल सकते हैं। इसके लिए आपको सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा डालना पड़ेगा। वहां पर डेक्लरेशन सूट डालकर आपको अपना राइट उस प्रॉपर्टी पर एस्टेब्लिश कराना पड़ता है। ये जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये आपको और डीपली नॉलेज इस टाइटल सूट के बारे में देता है। इसी प्रकार से कौन कौन व्यक्ति क्लेम कर सकता है कौन कौन नहीं कर सकता उसके लिए आपको बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग इन बुक्स को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन दोनों बुक का लिंक आपको दे दिया है, जहां पर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बड़ी इजली इनको घर पर मंगवा के पढ़ भी सकते हैं। नाउ दोस्तों अब अगर एक बार आपने सेक्शन 34 का दावा कोर्ट में डाल दिया तो सिर्फ कुछ चीजें आपको साबित करनी है। जैसे कि जिस समय आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी आपके पास कमाई के प्रॉपर स्रोत थे, यानी कि आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ अर्निंग था, आपने अपने पैसों से ही ये जमीन खरीदी, ये सारी चीजें आप वहां पर दिखा सकते हैं और इसके थ्रू बड़ी इजली साबित कर सकते हैं कि सारा पैसा मेरा लगा है और मैं ही इस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। नाउ ये बात आ गई लीगल प्रोसेस की, जहां पर मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट बताया, रिलीफ एक्ट बताया, जिसमें आपको दावा डालना है, एविडेंस में ये दिखाना है कि हमारा पैसा लगा है ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब उसकी रेलिवेंसी के लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि लोगों का कहना होता है कि ऐसे केस तो कोर्ट में होते ही नहीं है। नाउ कुछ रेलिवेंट जजमेंट मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसी जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले भी दे चुके हैं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर जो हमारा केस टाइटल है, करतार सिंह वर्सेस हरजिंदर सिंह एनदर, साल 1990 21 फरवरी की काफी बड़ी जजमेंट है, या फिर आप ये कह सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पर इन चीजों को क्लियर किया गया जब एक इंसान अपना पैसा लगाकर किसी दूसरे के नाम जमीन खरीद रहा है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में कहा क्या गया था। देखिएगा दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था, देखो अगर एक व्यक्ति फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब पैसे वहां पर वो अपने लगा रहा है किस चीज के लिए, तो एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, तो जर्नली तरीके से उसी को उसका ओनर साबित किया जाएगा। पर एक्सेप्शन है, प्रोवाइजो क्या है कि उसको साफ एक क्लियर एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा ही पैसा उस प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा है। जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि एविडेंस दिखाना अनिवार्य है और प्रॉपर्टी आपके नाम वापस आ जाएगी, प्रेजेंट केस में भी बोला जिसने फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसी को ओनर कंसिडर किया जाएगा। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट और देख ले डिस्प्ले पर, ध्यान दीजिएगा केस टाइटल है हमारा यहां पर जय दयाल पोडर दिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस मस बीबी हाजरा, साल 1973 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 19 अक्टूबर की जजमेंट है, या फिर ये कहे ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट थी इसी टॉपिक के ऊपर। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। देखिएगा दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही एड किया कि अगर एक प्रॉपर्टी परचेज की गई है एक व्यक्ति की तरफ से और किसी दूसरे के नाम पर, तो फिर भी वो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी जिसने खरीदते वक्त उसमें फंड दिया था, मतलब जिसका पैसा लगा था, ये चीज वहां पर बताई गई है। एक और इससे रिलेटेड जजमेंट है ये भी साथ में देखिएगा, रामेश्वर नाथ वर्सेस हरिनाथ, साल 1968 की जजमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही एड किया कि देखो अगर कोई ये कोर्ट में प्रूव कर देता है कि उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है प्रॉपर्टी को परचेज करते समय, यानी कि पैसा अपना लगाया है, तो उसी का राइट ओनरशिप में आ जाएगा और उसी के फेवर में लीगल टाइटल सजेस्ट हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी जजमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जहां पर सेम बात बोली गई कि जिसकी फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूशन रही है वो मालिक बन जाएगा। अब फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकती है, किसी ने पूरा पैसा लगा दिया हो, किसी ने आधा पैसा लगाया हो। अब जिसने आधा पैसा लगाया है तो 50% ओनर हो जाएगा, जिसने पूरा पैसा लगाया है वो पूरा मालिक बन जाएगा। ये चीज यहां पर देखी जाती है। नाउ अब कई सिचुएशन और होती है, कई बार लोग अपनी पत्नियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो पत्नी जो कमाई नहीं करती घर पर सेवा करती है, होम मेकर वाइफ है। यहां पर भी कहा जा चुका है कि अगर होम मेकर वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी तो वो फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ना कि अकेले महिला का हक होगा। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, इसका केस टाइटल मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, इसका केस टाइटल था सौरभ गुप्ता जो यहां पर अपीलियंट थे वर्सेस श्रीमती अर्चना गुप्ता Others. इसका फर्स्ट अपील नंबर है 321 of 2023 और डेट ऑफ ऑर्डर है हमारा इसका 15 फरवरी
साल 2024 पे। इससे आपको अंदाजा लगा गया कि बिल्कुल इसी साल की जजमेंट में लाया। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में कहा क्या गया। देखेगा दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल अलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखो, अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है हस्बैंड की तरफ से अपनी पत्नी के नाम पर और वो पत्नी होम मेकर यानी कि गृहिणी है और उसके पास कोई भी खुद के कमाई का जरिया नहीं है, तो ये कॉमन है नेचुरल हिंदू लॉ में कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी है और वो फैमिली प्रॉपर्टी ही कंसीडर की जाएगी। फैमिली प्रॉपर्टी कंसीडर करने का मतलब उनके बच्चे भी उसमें अपना हक दिखा सकते हैं। पत्नी ये नहीं कह सकती कि नहीं, इस पर तो सिर्फ मेरे अकेले का अधिकार है। नाउ, कई बार ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी अलॉट होती है, डीडीए वगैरह हो गए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी और इससे रिलेटेड और भी जगह होती है जहां पर जो इंसान उस पर अपना पैसा लगाकर अलॉटमेंट करा रहा है, क्या उसको ओनर माना जाएगा या जिसके नाम अलॉटमेंट के कागज है उसको ओनर माना जाएगा। इस चीज के लिए भी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा डिस्प्ले पर, केस टाइटल है हमारा यहां पर आदि लक्ष्मी एंड अदर्स वर्सेस के चिदन्नाथ। इसका ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ ऑर्डर है हमारा 7 मई साल 2024। यहां भी ठीक इसी प्रकार से चीजें डिस्कस की गई कि जिसके नाम पर अलॉटमेंट है वो ओनर माना जाएगा या अलॉटमेंट के दौरान जो पैसा पे करना होता है, जिसने पैसा पे किया वो ओनर माना जाएगा। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार इस जजमेंट में कहा क्या गया। देखिएगा डिस्प्ले पर, कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहां पर यही हेल्ड किया था कि जो पत्नी है अलोटी की, अलोटी वो था जिसको अलॉट हुई थी जमीन, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर मानी जाएगी। कारण, क्योंकि जब प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी, रजिस्ट्री हुई थी, उससे पहले अलॉटी की डेथ हो गई, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम कागजों में आना था उसकी डेथ हो गई और उसके बाद जितनी भी जरूरी पेमेंट और पैसा पे करना था वो महिला ने ही पे किया, और अगर उस महिला ने ही पे किया है, उसी ने फाइनेंशियल कैपेसिटी को पूरा किया है, तो सारी ओनरशिप उसी के नाम पर मानी जाएगी। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।